फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक रेसिपी लेके आई हूँ। तो उस रेसिपी का नाम है कटहल की सब्जी। तो ये रहा कटहल, तो देखिए कितना बड़ा है ये। तो इसको मैंने अच्छे से धो लिया, क्योंकि काटने के बाद उसको मतलब नहीं धोते हैं, तो ये तेल में फिर फ्राई होगा, तो पानी होगा, तो उसके बाद फिर ये फ्राई नहीं होगा। और फ्राई तो हो जाएगा, पर उसके छींटे जो होते हैं, पानी जो होगा बीच में, तो छींटे पड़ते हैं तेल के बहुत ज्यादा, तो इसलिए इसको पहले बाहर से ही धो लेते हैं। तो सवेरे मैंने ये धो लिया था, तो अभी है शाम का वक्त, तो आज मैं शाम को ये ही बनाऊंगी तो डिनर के लिए। तो फ्रेंड्स, ये है कटहल। तो देखिए इस तरह से है ये, और बहुत ही टेस्टी सब्जी होती है इसकी। पर इस सब्जी का जो तामझाम है, ये काफी मुश्किल भरा होता है, टफ काम लगता है मेरे को, क्योंकि इसमें जो ये दूध जैसा निकलता है, एक चिपचिपापन होता है, तो उसकी वजह से बड़ा तामझाम लगता है ये। तो इस चिपचिपापन को हटाने के लिए मैंने ये लिया है कटोरी में एक मस्टर्ड ऑयल, ये देखिए। तो ये मैं हाथों में इसको लगाऊंगी और नाइफ के साथ भी लगा लूंगी इसको, मैं चाकू के साथ फिर इसको काटूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसे मस्टर्ड ऑयल के साथ भी हाथ में लगा के भी काट सकते हैं, इसे दूध जो होगा इसका वो नहीं लगेगा। और आपके पास अगर नींबू वगैरह है तो वो भी आप इसको कटहल के ऊपर ऐसे रब कर सकते हैं, और चाकू में भी कर सकते हैं, हाथों में भी लगा सकते हैं उसका रस। अगर वो भी नहीं है तो आपके पास अमचूर होगा, अमचूर पाउडर, तो उसको आप कटोरी में डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के उसको घोल बना के उसको भी हाथ में लगा सकते हैं। मतलब खटाई से, जो भी खटाई होगी आपके पास उसकी वजह से ये, और ये अभी बस गई है, तो उसकी वजह से ये मतलब नहीं, मतलब दूध वगैरह नहीं लगेगा ज्यादा। तो ऐसे काटेंगे तो बहुत ज्यादा इसका दूध वगैरह निकलता है, और चिपचिपापन लेसिस जैसी होती है, तो काटने में मुश्किल होता है। तो चलो प्रोसेस जो है इसका शुरू करते हैं, तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने ये लगा लिया है तेल हाथों में इस तरह से, और यहाँ पे भी लगा लूंगी इस तरह से थोड़ा थोड़ा। और जब भी आप कटहल काटते हैं तो इसके नीचे अखबार या पॉलीथिन वगैरह जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप बिछा सकते हैं, क्योंकि इसका दूध और ये चिपचिपा जो लेसेज होती है वो जैसे फर्श या जैसे कहीं भी लग जाती है, तो मैंने ये बिछाया हुआ पेपर। अब तेल जो है काफी गर्म हो चुका है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसको ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन, मतलब थोड़ा ज्यादा नहीं तो ये फिर, और आंच जो है अभी ये ज्यादा है, इसको मैं स्लो कर दूंगी। तो ये देखिए इस तरह से, तो ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल तल के इस तरह से लगेंगे ये कैमरा में, कुछ और जैसे लग रहे हैं, यहाँ पे कुछ और लग रहे हैं, हाँ ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल क्रंची से हो गए ये, क्रिस्पी क्रिस्पी। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये दो बड़े टमाटर,
और ये छोटे बड़े प्याज हैं और एक हरी मिर्च है और ये तीन जो है मैंने लहसुन की कलियां ली हैं, क्योंकि कटहल जो होता है उसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए मैंने ये तीन ही कलियां ली हैं लहसुन की। मैंने भी सुना है कि कटहल जो है गर्म तासीर का होता है, तो और लहसुन भी गर्म तासीर का होता है, इसलिए मैंने तीन ही इसकी कलियां ली हैं। अब मैं इसको मिक्सी जार में इसको ग्राइंड कर लूंगी, प्याज को और टमाटर को भी। और फ्रेंड्स, इसी ही तेल में जिसमें हमने ये कटहल वगैरह फ्राई किया था, उसी तेल में हम कटहल के लिए ग्रेवी बनाएंगे। तो ऑयल जो है अच्छी तरह गर्म हो गया है, पहले से भी गर्म था थोड़ा। अब मैं इसमें डालूंगी ये धनिया पाउडर और ये रहा जीरा पाउडर। थोड़ा धनिया को पकने देंगे हम, और ये रहा मेरा जीरा पाउडर। और अब इसमें हम डालेंगे ये प्याज और लहसुन का पेस्ट जो मैंने ग्राइंड किया था। अब इसको भी अच्छे से हम भून लेंगे। अब प्याज जो है अच्छी तरह भून चुका है, अब मैं इसमें टमाटर प्यूरी भी डाल दूंगी। टमाटर भी अच्छे से ग्राइंड हो गए थे, तो ये देखिए टमाटर, ये देखिए अच्छे से ग्राइंड किए हुए मैंने। तो प्याज को अच्छे से भून चुका था, अब टमाटर और प्याज को अच्छे से भूनेंगे। अब इसमें मैं ऐड करूंगी मसाले। तो सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें नमक, तो ये देखिए ये नमक डाला है मैंने स्वाद अनुसार। और इसमें मैंने फिर डाली है ये देगी मिर्च कलर के लिए, और ये डाली मैंने साथ में हल्दी, और थोड़ी सी मैं डालूंगी इसमें सूखी हुई पीसी हुई लाल मिर्च। हरी मिर्च भी डाली थी इसलिए मैं थोड़ी डाल रही हूँ ये। अब इन मसालों को जो मैंने डाले हैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से इसको पकने देंगे। ये जब पक जाएगा अच्छे से, मसाला रेडी हो जाएगा, तो ये तेल जो है अपने आप छोड़ देगा। इसमें मसाला जो है बिल्कुल बनके तैयार है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी ये कटहल, ये देखिए इस तरीके से। अगर आपको फ्रेंड्स अगर सूखी सब्जी कटहल की चाहिए तो इस तरह से आप इसको मिक्स करके अच्छे से इसको 5-10 मिनट के लिए या 2-4 मिनट के लिए इसको ढक के रखेंगे, तो ये सूखी सब्जी बनके तैयार है। अगर आपको रसीली सब्जी चाहिए तो इसमें आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो मुझे तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सूखी सब्जी ये कटहल की थोड़ी सी कटोरी में निकाल ली है, और बाकी सब्जी में मैं ऐड करूंगी पानी, तो इससे ये रसीली बन जाएगी। देखिए तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप रसीली सब्जी भी बना सकते हैं कटहल की। फ्रेंड्स, ये थी मेरी छोटी सी कटहल की रेसिपी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो लाइक, मेंशन, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और फ्रेंड्स जो मेरी वीडियो पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन ऑन कर लें और बेल आइकन का बटन उसे भी प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में आ जाएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, टेक केयर। मम्मा की वीडियो जरूर देखना।